ये लांजीगढ़ ये गांव नहीं हो सकता है, ये शहर बन जाएगा, और मुंबई और लांजीगढ़ का कोई अंतर नहीं होगा, ऐसा समझा रहे थे कंपनी का लोगों ने और कंपनी का जो समर्थक लोगों ने समझाते थे। तो बहुत सारे लोग प्रभावित भी हो रहे थे। 2003 को मेरे को गिरफ्तार कर लिया तो आ करके आतंक फैला रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, अहिंसक और डेमोक्रेसी तरीक़ा से आंदोलन चलाएंगे। महिला लोगों को आगे हम रखते थे तो महिला लोगों को पूरा कपड़ा उतार करके इतना बेइज्जत भाव रे पिटाई की, तो हमको ज़्यादा मेरे को तो बहुत दुख भी लगा और मैं तो देख नहीं पाया। लोग थोड़ा परेशान भी हो गए और भयभीत भी हो गए। मैंने सोचा था कि हम डेमोक्रेसी मूवमेंट कर रहा हूँ तो कोई बुराई असर नहीं होगा, मगर आज जो पुलिस का जिस तरफ का हमला हुआ और जो गुंडा लोगों का कंपनी का गुंडा लोगों का जिस तरफ का हमला हुआ, ये बुरी बात है। हम सोच रहे हैं हम हिंसा नहीं करेंगे, हमारा आंदोलन का स्ट्रेटेजी ये ही है। अगर हम हिंसा नहीं करते हुए भी पुलिस हो या कोई कंपनी का लोग भी हो, हमारा ऊपर जब हिंसा करने आएंगे तो प्रतिहिंसा के रूप में हम अपना ये सुरक्षा के लिए हथियार उठा सकते हैं, ये तो हो सकता है, मैंने कहा। और उसी दिन से पारंपरिक हथियार लेकर के ही हमने रैली धरना हर काम हमने चलाया। जितने गुंडा लोगों थे भयभीत हो गए, तो इनके पास तो हथियार है, अगर हम उसको अटैक करेंगे तो हमको भी अटैक करेंगे। मैंने खुद निर्भीक से मैं जा कर के काम करने लगा, कोई असर भी नहीं हुआ, मगर मेरा साथी लोगों को ज़्यादा तंग कर रहे थे। एक साथी को तो गाड़ी चपा करके मार डाला, शुक्र माझी नाम का, कंपनी का जो रिफाइनरी प्लांट का कंस्ट्रक्शन भी जोर शोर से चल रहा था, प्रतिवाद तो कर रहे थे मगर प्रतिरोध नहीं हो पा रहा था, उसी टाइम में हमारा ताकत कमज़ोर ही था। तो प्रतिवाद करते करते फैक्ट्री बन चुका, ये कंपनी का गुंडा और सरकारी गुंडा दोनों गुंडा के हमको पहचान करना और इसी स्ट्रेटेजिकली लड़ाई को भी आगे लेना पड़ेगा। 2002 के बाद शुरू हुआ, 2003 में मेरे को गिरफ्तार कर लिया और उसी दिन को जो साधारण जनता को आम जनता को जो पिटाई हुई उसी दिन को क्रांति दिवस नाम पर हम इसमें मानते हैं, अप्रैल 3 तारीख को क्रांति दिवस मनाते हैं। 2004 का क्रांति दिवस हमारा 3 को हम नहीं कर पाए, 7 को कर लिया। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी था सिंप्लेक्स नाम का, ये गोडाउन को जला दिया, वो कहते हैं तो आंदोलनकारी जला दिया, ये झूठ है या सच है ये भी हम नहीं कह सकता। बाद में 14 साथी लोगों को गिरफ्तार कर लिया 2004 में, नहीं मुकदमा में हम विश्वास नहीं भी करेंगे तब भी मुकदमा चलना चाहिए, ये तो आंदोलन का एक अंश हो सकता है, तो हम नहीं चलाएंगे क्योंकि हम मुकदमा में हम फंस जाएंगे तो आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, इसीलिए मुकदमा के बजाय से सेंट्रल एम्पावर कमेटी को भेजा गया। सीसी कमेटी ने यह भी लिखा
अगर माइंस हो जाए तो ये इलाका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कंपनी ने कहा कि नहीं, हम माइंस नियमगिरी से हम माइंस नहीं करेंगे। अगर फैक्ट्री को हमको चलाना है, बाहर से भी हम रॉ मटेरियल्स ले सकते हैं। ये फैसला के ऊपर 2000 मेरे ख्याल में 8 में हमारा जो कालाहांडी का एक नेता थे भक्तदास, भक्तचरण दास, जिन्होंने हमको विरोध करते थे, इन्होंने कहा कि कालाहांडी में कुछ माइंस कुछ इंडस्ट्री है नहीं, तो विकास के लिए हम एक इंडस्ट्री लाया था, इसके खिलाफ जिन्होंने लड़ रहे हैं ये गलत है, ये अपना स्टेटमेंट भी दे चुके थे। मगर इसको पता चला कि नहीं, ये गलत नहीं है, सही कह रहे हैं, और आंदोलन तकड़ा होते जा रहा है। अपना शक्ति को बरकरार रखने के लिए आंदोलन में कूद पड़ा ग्रीन कालाहांडी नाम पर। तो ग्रीन कालाहांडी ये कांग्रेस का एक अंश था, मगर कांग्रेस का कोई सैद्धांतिक आंदोलन नहीं था, ये एक व्यक्ति का आंदोलन था, मगर कांग्रेस का कुछ साथी लोगों तो साथ दे रहे थे। इसी वजह से भक्तचरण ने एमपी में जीत गया। जीतने के बाद इन्होंने कंपनी का हित में अपना स्वर बदल दिया और आंदोलन से हट गया। माओवादी लोग आकर के कुछ लोग को कत्ल कर देते हैं, तो ये तो गलत बात है। हमको भी अगर इनका बात हम नहीं मानेंगे, हमको भी कत्ल करेंगे। माओवादी का हस्तक्षेप हो गया तो आंदोलन को हम कैसे चलाएंगे। मैंने जा कर के हमारा साथी लोगों के साथ एक बैठक करने लगा और कहा, देखिए इनका हथियार आंदोलन से हम नहीं लड़ पाएंगे, अगर हथियार इतना हथियार सरकार के पास कंपनी के पास है तो हम हथियार से लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, विचार से लड़ेंगे तो ज़रूर हम जीत पाएंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं, तो माओवादी के साथ हम चैलेंज करेंगे या माओवादी को आंदोलन को सौंप देंगे। हमने निर्णय लिया कि दिखा जाए माओवादी को हम चैलेंज करके आंदोलन को आगे चला पाएंगे या नहीं। तो जितने भी साथी लोग हमारा जो नियमगिरी में काम करने वाले थे, मेरे पास ज़्यादा विश्वास इनका पास इनका मन में था। मैंने कहा अगर माओवादी आएंगे और माओवादी का स्ट्रेटेजिकली उनके धारा से आंदोलन जब होगा, खुद मैं तो नहीं रहूँगा। और माओवादी को हम विरोध नहीं करेंगे, अगर माओवादी ज़बरदस्ती चाहेंगे जो नहीं ये आंदोलन को हम हैंडल करेंगे तो हम सौंप दे सकते हैं, हम चैलेंज नहीं करेंगे। अगर चाहेंगे जो ये आंदोलन को भी हम सम्मानित करके आपको छोड़ रहे हैं, अगर हम भी कह रहे हैं कि माओवादी अगर चाहते हैं आंदोलन चलाने के लिए, हमारा जो टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजिकली हम आंदोलन चला रहे हैं, अगर हमारा आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाता है और हम डिफीटेड हो जा रहे हैं, तब तो हम सौंप देंगे आपको। तो आपका फील्ड में आपका ये जो ढांचा, हाँ आप कर सकते हो, और हमारा फील्ड में हम हमारा ये जो धारा को ही हम चलाएंगे। 2009 की बात है जी, जब दो लोगों को मार दिया, फिर क्या हुआ? इन्होंने कोशिश की जे पूरा हमारा कुछ लीडर लोगों को कब्जा करने के लिए, मगर लीडर लोगों भी मेरे को कहा कि आ करके हमको ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो क्या करूं।
मैंने कहा कि माओवादी लोग जब ऐसा करेंगे तो ये ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? इसको कहने से मेरे बात को मानेंगे क्या? तो क्या करूं, मैं तो नहीं आऊंगा। तो इन्होंने पूछा तब तो क्या करूं? तो माओवादी आएंगे तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा देखिए, आज आ करके बंदूक चलाएंगे, पुलिस आएंगे तो भाग जाएंगे। इसीलिए आपका दिमाग से निर्णय लेना बहुत आवश्यकता है। अगर इनको आप भरोसा करोगे या मेरे को, अगर मेरे को जब भरोसा करके आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ आपके लिए, और चैलेंज करके आंदोलन चलाएंगे। तो इन्होंने निर्णय लिया, ठीक है आप जैसा कहोगे, हम पहले से आप हमारा साथ थे, अभी भी हैं। इन्होंने कहाँ से आ करके आ जाएंगे, कल भाग जाएंगे तो हम क्या करेंगे? बाद में ऐसा चैलेंज हो गया, और चैलेंज के पास इन्होंने डिफीटेड हो गए। और सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्णय हुआ ये भी हमारा लिए बहुत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पल्ली सभा जो ग्राम सभा है, हाँ, और ये सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लग रहा है? कि ग्राम सभा तय करे क्या? नहीं, खुद ग्राम सभा के तो ये कहा, हाँ। और दूसरी बात भी इन्होंने कहा कि कोई एक व्यक्ति का कल्चर को कोई भी खत्म करना ये ठीक नहीं, ये मूल अधिकार, मानवाधिकार, अधिकार है, मानव अधिकार, हाँ। तो ये भी कहा, इसलिए इनका एक कल्चर है जो ये पेड़ को पूजा करते हैं, पहाड़ को पूजा करते हैं, हाँ, ये पहाड़ को पूजा करते हैं, झरना को पूजा करते हैं। इसीलिए पहाड़ के ऊपर ये फरवरी लास्ट वीक में हर टाइम इनका एक पर्व होता है,